हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। और सच में आज का दिन उस महान परमेश्वर ने हमें दिखाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और कहें, मेरे पिता, आज के दिन आपने हमें बचा के रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज रविवार वाले दिन मैं इस काम के लिए मैंने उपवास रखा है। मैंने इस काम के लिए मैं आई हूँ आपके चर्च में, आपके भवन में आया हूँ। मेरी इस प्रार्थना को सुनो और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता, मेरे पति ठीक हो जाए। मेरे पिता, मेरे बच्चे ठीक हो जाए। मेरी पत्नी ठीक हो जाए। मुझसे कर्जा दूर हो जाए। मेरा लोन पास हो जाए। मेरी फाइल दौड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन। सच में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो महान परमेश्वर का दया वाला हाथ हमेशा हमारे ऊपर है। हालेलुया, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसके नाम को धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करते रहते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान है मेरे पिता, आप सृष्टि का कर्ता है मेरे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ओ राजाओं का राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस भोर के समय में मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर मेरे से कोई भी पाप हुआ है, या मेरे बच्चों से कोई भी पाप हुआ है, या मेरी पत्नी से कोई भी पाप हुआ है, या मेरे घराने से कोई भी पाप हुआ है, तो हमें क्षमा करो। मेरे जीवन खुदा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे जीवित खुदा मेरे पिता, मेरे पापों को क्षमा करो। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राज्यों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और ब्लेस होने पाए मेरे पिता। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। सच में आपको वचन भजन सीता 62 में लिखा हुआ है कि हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो। सच में मेरे पिता, हम आप पर भरोसा रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप ही हमारी उम्मीद हो मेरे पिता। हम पे जो भी झूठे केस हो रहे हैं मेरे पिता, आप हमें इन केसों से आज़ाद करोगे। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता, आप हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करोगे, आप मेरे परिवार में अद्भुत कार्य करोगे। और राज्यों का राजा सियोन दे यहोवा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम पे रहम करो, हम पे तरस खाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और लिखा हुआ है, हर हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो। हर समय अगर आप दुख में हैं, अगर आप सुख में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप खुशी में हैं, अगर आप संकट में हैं, तो उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और राज्यों का राजा की स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो महान है, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और लिखा हुआ है, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। आप परमेश्वर के आगे अपनी आज हर एक हृदय की बात खोलें। वचन कहता है कि मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। हालेलुया, हमारी महिमा, उस महान परमेश्वर की महिमा का आधार वो महान परमेश्वर है। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। हालेलुया, पूरा जीवन एक लाइन में आके लिखा है कि वह मेरी चट्टान है। सच में मेरे पिता, आप हमारी चट्टान हो मेरे पिता, आप मेरा उद्धार हो मेरे पिता, आप मेरा गढ़ हो मेरे पिता, इसलिए मैं ना डिगूंगा मेरे पिता। इन पे तरस खाओ मेरे पिता, ओ राजाओं का राजा मेरे पिता, इनके प्रार्थना को सुनो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सत में आपको वचन लिखा हुआ है, उसने अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। आज आप उस महान परमेश्वर से अपने अपने दिल की बात खोल कर कहें, उस महान परमेश्वर से अपने दिलों की बात कहें, उस महान परमेश्वर से अपने दिलों की बात खोल कर कहें, उस महान परमेश्वर से अपने दिलों की बात खोल कर कहें। वो राजा हैं, वो परमेश्वर हैं, वो प्रभुओं का प्रभु हैं, उस महान परमेश्वर से दिल की बात खोल कर कहें। आज घुटनों टेकें और उस महान परमेश्वर के आगे और कहें, मेरे पिता,
मेरी ये बातें हैं जो मैं आपके आगे खोलता हूँ, जो मेरी ये बातें हैं इन पे ध्यान लगाओ, इन पे मनन करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं को जांचो मेरे पिता, मेरी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और सच में लिखा हुआ है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, सच में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 62:8 में लिखा हुआ है कि उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। आप उस महान परमेश्वर से मन की बातें खोल कर कहें, जो भी आपके मन में है आज उस महान परमेश्वर से कहें। आज अपने हाथों को जोड़ें, अपने सिरों को झुकाएं उस महान परमेश्वर के आगे और प्रार्थना करें और कहें कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरी ये प्रार्थना है मेरे पिता, मेरी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, मेरी प्रार्थना को जांचो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं हर एक संकट से दूर होने पाऊँ, मैं हर एक परेशानी से दूर होने पाऊँ, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुझ पर तरस खाओ मेरे पिता, मुझ पर रहम खाओ मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, मैं परेशान हूँ मेरे जीवनों से, मेरी जिंदगियों से, मेरे बिजनेस से, मेरे घर के हालातों से मेरे पिता, आज मैं हर एक बात आपके सामने खोलता हूँ, मेरे मन की बातें मैं आपके सामने खोलता हूँ मेरे पिता, मेरा न्याय करो मेरे पिता, मेरा न्याय करो मेरे पिता, मेरी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, मैं हन्ना की तरह बिलख बिलख कर रो रही हूँ मेरे पिता, मेरा न्याय करो मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच वह मेरी चट्टान है, हालेलुया, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। आप अपनी आशा उस महान परमेश्वर पर लगा के रखें, उस महान परमेश्वर पर लगा के रखें, उस महान परमेश्वर पर लगा के रखें। आप अपनी आशा को ना गिरने दें, आप अपनी आशा को ना गिरने दें, आप डगमगाए ना अपने जीवन को लेके, बल्कि उस महान परमेश्वर की स्तुति करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, क्योंकि वो महान है, वो राज्यों का राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु हैं। उस महान परमेश्वर की स्तुति करें तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मेरे से बात को ध्यान से सुने, लिखा कि उसे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। आज से आपने जब भी प्रार्थना करें, जिस तरह हम अपने मित्रों से छोटी छोटी बातें करते हैं, आज जब भी प्रार्थना करें, जब भी तो एक छोटी से छोटी बात भी उस महान परमेश्वर के आगे रखें और कहें मेरे पिता मुझे इस प्रार्थना से सफल करो, मेरे पिता मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, मेरे जीवनों में अद्भुत कार्य करो, तो आपकी आशा कभी ना टूटने पाएगी। सच में परमेश्वर आपके ऊपर अपना अनुग्रह करेंगे, आपकी आशा कभी ना टूटेगी। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करें, और आज संडे हैं और आपके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए, परमेश्वर आपको आशीष करें। आमीन।